दोस्तों, भरतपुर जिले के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ फूफा और फूफी ने शादी का दबाव बनाकर करवाया गलत काम। माँ बाप ने पुलिस थाने में करवाई रिपोर्ट दर्ज। उस नाबालिग लड़की को उसके फूफा और फूफी ने धमकी दी थी कि अगर वो किसी को ये बात बताएगी तो उसको जान से मार देंगे। जैसे ही उस लड़की को मौका लगा तो अपने वापस घर चली आई और अपने माता पिता को सारी बात बताई। इसके बाद उसके माँ बाप ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई लड़की के फूफा और फूफी के खिलाफ। दरअसल दोस्तों, यह मामला भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र का है, जहां पर लड़की के फूफा फूफी उसके घर पर आए और लड़की के माँ बाप से कहने लगे कि आप इस लड़की को हमारे साथ हमारे गांव भेज दीजिए, ये हमारे बच्चों को खिला लेगी, हम अपने काम साथ पर ध्यान देंगे। इसीलिए लड़की के माँ बाप ने उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। लड़की को उसके फूफा फूफी के गाँव गए करीब 2-2.5 महीने का समय बीत गया। उसके माँ बाप को कुछ पता नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लड़की के फूफा फूफी ने लड़की की ज़बरदस्ती शादी तय कर दी और जिसके साथ शादी करवाना चाहते थे उससे लड़की के साथ गलत काम करवाया। और जब लड़की ने इस बात का विरोध किया तो लड़की से कहा कि तुम्हें जान से मार देंगे अगर ये बात तुमने किसी को बताई, तो लड़की डर की वजह से चुप रही। जैसे ही लड़की को वहाँ से मौका लगा तो लड़की अपने वापस घर चली आई। उसने अपने माँ बाप को सारी बात बताई कि किस तरह उसके फूफा और फूफी ने उसके साथ हैवानियत भरा काम करवाया। इसके बाद लड़की के माँ बाप ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उस लड़की के साथ लड़की के सगे फूफा फूफी ने हैवानियत भरा काम करवाया। लड़की के माँ बाप ने बताया कि उन्होंने अपनी लड़की को भरोसे से भेजा कि ये अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उस लड़की के माँ बाप को क्या पता फूफा फूफी ही लड़की के साथ ऐसा करेंगे। दोस्तों, जब ऐसी घटना होती है तो ऐसा लगता है कि अपनों पर भी कभी हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की के सगा फूफा फूफी ही लड़की के साथ ऐसा किए तो और दूसरा क्या करेगा।